पाकिस्तानी जेट्स ने बुधवार यानी कि आज 27 फरवरी को जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में भारतीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया, लेकिन भारतीय विमानों ने उन्हें पीछे खदेड़ दिया। एक शीर्ष अधिकारी के हवाले से पीटीआई ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि पाकिस्तानी जेट ने लौटने के दौरान बम गिराए, इससे तत्काल क्षति या किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पाकिस्तानी वायुसेना के F-16 विमान को भारत ने लाम घाटी में मार गिराया है। पैराशूट को नीचे उतरते देखा गया है, मगर पायलट की स्थिति का अभी तक पता नहीं चल सका है। हालात के मद्देनजर दिल्ली में एक बहुत ही उच्च स्तरीय बैठक हो रही है। भारत एवं पाकिस्तान की सेना के बीच नियंत्रण रेखा के दोनों तरफ से हो रही गोलीबारी के मद्देनजर श्रीनगर, जम्मू एवं लेह हवाई अड्डों पर व्यावसायिक विमानों की आवाजाही बंद कर दी गई है। आपात स्थिति को ध्यान में रखते हुए व्यावसायिक विमानों की आवाजाही को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। जम्मू और लेह हवाई अड्डों को भी व्यावसायिक विमानों के लिए बंद कर दिया गया है। नियंत्रण रेखा के दोनों तरफ से गोलाबारी बढ़ जाने से सुरक्षा बलों एवं अन्य प्रतिष्ठानों को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय वायुसेना का एक विमान जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले में बुधवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इस घटना में कम से कम एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। हमारे सेना का एक जवान शहीद हो गया है।